नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार पावसकर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मेमोरी ड्राइंग में हम ज्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हालांकि यहाँ पे मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो बहुत हवा आ रही है, तो हम अंदर बैठ के इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि बाहर बहुत हवा चल रही है, इसलिए हम अंदर आके बात करें, तो यहाँ पे हम बैठ के बात करते हैं कि मेमोरी ड्राइंग में हम जब कोई मिस्टेक होती है हमारे हाथ से, वो किस तरीके से होती है और क्या मिस्टेक होती है हमारे हाथ से हम ड्रॉ करते वक्त। जो मेमोरी ड्राइंग ये क्या होता है, ये हम फर्स्ट हमारा पार्ट है, मेमोरी ड्राइंग क्या होता है। दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग में क्या होता है, मेमोरी ड्राइंग में हमें एक बहुत सारे इंसानों का ड्राइंग करना पड़ता है। जैसे कि गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे वाला, यानी कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, उसके सामने एक हाइड्रोजन का सिलेंडर है, उसके हाथ एक हाथ में गुब्बारे हैं और एक हाथ से वो एक लड़की से पैसे ले रहा है और एक लड़की उसे पैसे दे रही है। उसके पीछे एक बच्चा मम्मी को कह रहा है, मम्मी मुझे ये गुब्बारे चाहिए, ऐसे ऐसे पोजिशन में रह के बता रहा है, क्योंकि वहाँ से दो चार लड़के लड़कियाँ दौड़ के छोटी छोटी दौड़ के आ रही है गुब्बारे लेने के लिए। ऐसा कुछ सीन हमें हमें पेपर पे ड्रॉ करना होता है। तो और दूसरा एक एग्जांपल लेंगे तो है वो बाजार का सीन। बाजार में क्या होता है, बाजार में हम खरीदी करने जाते हैं, तो हम सब्जी ले रहे होते हैं, तो माँ ऐसे दिखा रही, ये कैसे दिया, तो वो पोजिशन दिया ऐसे वाली, या एक हाथ में थैली और दूसरे हाथ से दिखा रही है ये चाहिए, तो वो नाप के दे रहा है, वो सब उसमें आएगा। उसके बाजू में दो चार ऐसे कुछ लोग खड़े हैं, बाजार बोल दिया तो उसमें क्या आएगा, वहाँ पे और भी दुकान है, उसमें भी लोग खरीदी कर रहे हैं, वो सब। तो ये होता है मेमोरी ड्राइंग में हमें ड्रॉ करना। मेमोरी ड्राइंग में अब सवाल आता है, मेमोरी ड्राइंग में जो हम लोग दिखाते हैं तो वो सब दिखाने चाहिए कि उसकी कोई लिमिट है? तो दोस्तों, लिमिट है तीन से ज्यादा लोग हमें ड्राइंग में ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, तीन से ज्यादा लोग निकाले, तीन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर तीन से ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे के, यानी कि हमें जब ड्रॉ करना पड़ता है तब हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, उसमें पहला होता है हमें जो हमारे फिगर्स ड्रॉ करते हैं हम। अच्छा, हम लेंगे चलो कोई तीन आदमी पेड़ के नीचे, यानी किसान होते हैं ना, वो पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, तीन किसान है, तो हमें उनकी पोजीशन है, वो पोजीशन कैसे रखनी है, वो हमें वहां पे कैसे रखनी है। तो हमें कुछ लोग क्या करते हैं, उसे ऐसे एक यहाँ पे हो गया, दूसरा उसके बाजू में और तीसरा उसके बाजू में, ऐसे तीन ऐसे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे नहीं होता, हम हालांकि हम किसी कार्यक्रम में नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन में बैठे, हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, आके ऐसे ही खाना खा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा इस ड्राइंग में तीन इंसान बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो कैसे बैठे हैं, वो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग स्टाइल में बैठे हैं। तो दोस्तों, यही होता है मेमोरी ड्राइंग में, हम अक्सर क्या करते हैं, उनको एक स्ट्रेट पोजीशन या एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये इसके आगे आगे ऐसे करके, क्यों वो अक्सर गलत होता है, क्योंकि हर एक इंसान की पोजीशन एक जैसी नहीं होती। जो दे रहा है, जो सब्जी इंसान ले रहा है, उसके सामने जो देने वाला है वो तो दे रहा होगा ना, ले नहीं रहा होगा, तो ये कॉमन सेंस है इसमें। तो हमें वो पोजीशंस जो होती है ठीक तरीके से ड्रॉ करनी पड़ती है। तो अगला पॉइंट आता है, हम जब मिस्टेक करते हैं तब वो वाला, हमें हम अक्सर जो फिगर होते हैं वो दूर दूर निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये यहाँ है, उसके बाजू में है वो यहाँ है, और तीसरा जो है वो वहाँ है, ऐसे निकालना नहीं चाहिए हमें वो पास पास निकालने,
एक यहाँ है तो उसके बाजू में अलग पोजीशन से वहां खड़ा है, उसके बाजू में अलग पोजीशन से यहाँ खड़ा है, ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। अगली मिस्टेक हम जो करते हैं मेमोरी ड्रॉइंग में वो क्या होती है, वो जो होती है वो हम फिगर्स यानी वो जो इंसान हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इंसान हम छोटे छोटे निकालते हैं। वो छोटे छोटे इंसान निकालना यानी कि गलत है दोस्तों, वो इंसान छोटे छोटे नहीं निकालने चाहिए, हमें बड़े फिगर्स ड्रॉ करना चाहिए। बड़े फिगर्स जब हम ड्रॉ करेंगे तब पहली बार जो ड्रॉइंग हमारी देखता है उसे सिर्फ और सिर्फ वो बड़े फिगर्स दिखने चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए कि उसके बैकग्राउंड में क्या, बहुत बड़े बड़ा झाड़ है वहां पे, वो ट्री है वहां पे, मैंगो ट्री है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं निकलना। हमें मेन पोजिशन फिक्स करके रखनी है, हमारा एम है कि हमें बड़े फिगर्स निकालने हैं, बड़े एकदम भी बड़े नहीं, सीधा पास लेके आएंगे ऐसे नहीं। अब मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा हूं, हाँ मैं ऐसे पोजीशन में बैठा हूं, तो ज्यादा पहली नजर जो होती है वो आपको किसके ऊपर जाती है, मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपको बड़ा दिख रहा हूं और पीछे का जो सामान है वो पीछे रहेगा, पर मैं आपको बड़ा दिख रहा हूं क्योंकि मैं आपके पास हूं। जो ड्राइंग में भी वैसा है, ड्राइंग में हमारे फिगर ज्यादा पास होंगे यानी कि हम बड़े निकालेंगे, बड़े ड्रॉ करेंगे, तब हमें हमारा पूरा ध्यान उस फिगर्स पे जाएगा, उसके पीछे जो क्या है, कौन सा सीन है उस पे नहीं जाएगा हमारे वो ध्यान, हमारा फर्स्ट ध्यान उस फिगर के ऊपर जाएगा। दोस्तों यही है इस वीडियो में, तो फिर से थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि हमने पहले सीखा कि हमें फिगर्स एक पोजीशन में नहीं निकालनी है, उनको अलग अलग पोजीशंस में दिखाना है। हमें फिगर्स बड़ी निकालनी है यानी कि बड़ी ड्रॉ करनी है, छोटी फिगर्स नॉट अलाउड। अगला जो देखा वो है हमें हमारी फिगर्स ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, दूर नहीं पास, ज्यादा भी पास नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी दूर नहीं, मीडियम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। यहाँ पे हम हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।